Hey Paras bhai, this is Anshul from Sab BTC Memes. So kaise ho Paras bhai? It's me Ankit from Just Trolling BC. Paras, this is Divyanshu from Alpha Memer. Bhai, sabse pehle yaar tumhe congratulations. Bahut badhaiyan. Apne 100k complete kar diye. Aur ye wali bahut hi badi baat hai. Tum hamari community se pehle bande bane ho jisne ye milestone sabse pehle complete kiya. Kafi bada milestone hai bhai, hamari community mein aisa karne wale pehle bande bane ho. Aisa pehla banda hai jisne 100k ka milestone complete kiya hai. Matlab dil se badhai bhai. Bahut badhaiyan. Congratulations. So chahte bhai ko aise aage success milti rahe bhai. अगला माइलस्टोन होना चाहिए बिल्कुल 1 मिलियन, और इससे पहले कहीं नहीं रुकना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अगला टारगेट भाई 1 मिलियन, और भी सीधा आप 1 मिलियन पे रुकना, मैं तो बोला 1 मिलियन पे भी मत रुकना, आगे बढ़ते जाना भाई, जल्दी कंप्लीट करें और हमारे भी जल्दी करवाए। तो वंस अगेन बिग कांग्रेचुलेशन टू माय ब्रदर पारस अका मीमम, ऐसे ही मीमर्स का नाम रोशन करो, तुम भी बढ़ो, हम सभी बढ़ेंगे साथ, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे, वीडियो बनाते रहो और मीमर्स का नाम रोशन करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर स्ट्रीम और पूरी मीम कम्युनिटी की तरफ से मीम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। भाई ऐसे ही अपने ऑसम मीम से लोगों को हंसाते रहो और माइलस्टोन कंप्लीट करते रहो। हे पारस भाई, दिस इज प्रीत फ्रॉम हैव मीम्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग 100k ऑन यूट्यूब। और भाई ऐसे बढ़िया मीम्स बनाते रहो और रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहो, सून 1 मिलियन भी हिट करोगे। वेट अ मिनट, हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। गाइस फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया 100,000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे, एंड गाइस ये आप सबके प्यार और सपोर्ट के बगैर कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। आपने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया है अभी तक, एंड गाइस जैसे हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था 100k पर मैं फेस रिवील वाली वीडियो करेंगे, तो ये रही वो वीडियो, ये हूं मैं आपका मेमहब। एंड गाइस आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगा इतने प्यार के लिए। एंड गाइस जितने भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, चाहे वो एडवांस में कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, चाहे वो अभी मैसेज कर रहे हैं इंस्टा पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, उन सबको एक बार दिल से बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। एंड गाइस थैंक्स हमारी मीम कम्युनिटी के लिए जिनने स्पेशल वीडियोज हमको भेजी है स्टार्टिंग में, जो आपने देखी होगी, उन सबको एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू। एंड गाइस अगर आप भी अलग अलग किस्म के मीम्स देखना चाहेंगे, वैरायटी मीम्स, काफी सारे मीम्स हैं किचन में जो काफी अच्छे मीम्स बनाते हैं, तो उन सभी के चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जरूर से आप एक बार सभी के चैनल्स को चेकआउट जरूर करना। और गाइस रही बात इस 100k की जर्नी की, यानी स्टार्टिंग 2020 में लॉकडाउन लगा था, थोड़ा टाइम पहले जब मैंने कमाइंस का चैनल स्टार्ट किया था, मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर पूरे टाइम करते ही रहने लगे, एंड मैं अपनी उस वाइंस के चैनल को तो कंटिन्यू नहीं कर पाया, पर मैंने पूरा मीम्स का चैनल बनाया, तो उसी चैनल को उस पर प्रायोरिटी हटा के मीम्स अपलोड करना स्टार्ट किया। पर सेट में ऐसा रहता है कि डर लगता है कि मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने यूट्यूब से इंस्टा से लोगों के मीम्स उठा के उनको कंबाइन करके मैं डालने लगा। काफ़ी टाइम तक मतलब रोज एक वीडियो डालता था, मैं मानता कॉन्टेंट मेरा नहीं था, पर मैं ऐसे कलेक्ट करके बस डाल देता था, तो हर दिन एक वीडियो अपलोड करते करते 8 से 10 महीने हो गए, मैं हमारे तक 200-300 सब्सक्राइबर्स थे, अराउंड 300-400 कह सकते हो, उतने सब्सक्राइबर ग्रोथ बहुत कम थी, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने उस चैनल को से बंद कर दिया, अपलोड नहीं कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना अभी इस चैनल को बंद किया जाए, क्योंकि इस पर कोई फ़ायदा नहीं, ग्रोथ तो पूरी डाउन हो चुकी है इस चैनल पर। तो वैसे 31 दिसंबर को मैंने सोचा क्यों ना इस नए साल के साथ एक शुरुआत की जाए, इस पर मीम्स खुद बनाएंगे, एंड मैंने एक टारगेट रखा 6 मंथ्स के लिए मैं मीम्स अपलोड करूंगा, हर 3 दिन में एक वीडियो मैं अपलोड जरूर करूंगा, एंड 10 मिनट से वीडियो ऊपर मैं बनाने का ट्राई कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया, मैं धीरे धीरे वीडियो सीख रहा था बनाना, मीम्स बनाना सीख रहा था, मैंने मीम्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, हर 3 दिन में मैं एक वीडियो निकाल रहा था, एंड अराउंड 3-4 महीने तक मैं ऐसी वीडियोज डाल रहा था। फिर अप्रैल आया, एंड अप्रैल में अचानक से चैनल पे एक बूस्ट आ गया, तो मैं बस सुबह नींद से उठा था, एंड मैंने चैनल खोल के देखा, एंड अचानक से 40 सब्सक्राइबर्स एक ही रात में बढ़ गए थे, एक हमारी पहली वीडियो 20,000 व्यूज हिट कर गई थी। एंड गाइस वो सब्सक्राइबर्स 40 से 50, 50 से 100, 100 से 500 तक बढ़ते रहे, ऐसे ही रोज 400-500 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, मैं आपको ज़्यादा नहीं था, एंड फाइनली वो दिन आ गया जब हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए। एंड गाइस जिस दिन हमने 10,000 सब्सक्राइबर हिट कर लिए, मैं बहुत खुश था, मैंने अपने दिमाग में गोल बनाया था कि नवंबर से पहले मुझे किसी भी हाल में करने हैं, अपना फुल एफर्ट्स दूंगा, पर 19 नवंबर से पहले, हम 19 नवंबर को मेरा बर्थडे था, तो उससे पहले हमको कंप्लीट करने हैं। तो गाइस फिर वैसी वीडियोज डालते गए, तो 500 से भी ग्रोथ हुई, फिर 600-700, फिर एक टाइम में ऐसा बहुत आप कह सकते हो एक अजीब सा डिप आया हमारे चैनल पे,
जब फिर 20-30 सब्सक्राइबर्स वापस से बढ़ने लगे तो काफ़ी कम था, काफ़ी डिप आया था एक, पर फिर उस डिप को भी हमने रिकवर कर लिया एंड 500 से हमने सीधे छलांग मारी 1000 की तरफ। अब अभी के टाइम पे देख सकते हैं, अभी के टाइम पे हमारे चैनल पे 1000 से 1500 की 700-800 की तरफ पर एवरेज आप कह सकते हो 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। एंड ऐसे ही करते करते हम 50 के कम्प्लीट कर लिए, 60 के, 70 के, एंड आज फाइनली वो टाइम आ गया जब हमने सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट कर लिए। तो वे ऐसा टाइम आ गया था जब काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, इंस्टा पे हो गया, यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि आप लोग मोनेटाइज है कि नहीं। जब मैं आपको कहता कि मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं है तो क्या एंड ऐसे भी काफी सारे कमेंट्स थे कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप कितनी ही देर इस चैनल को चला पाओगे, कभी ना कभी आपकी चैनल बंद हो जाएगी, आप कितना ही ग्रो कर पाओगे इस चैनल पे। तो गाइज आई थिंक उनको अभी एक अच्छा जवाब मिल गया होगा 100 के कंप्लीट करने पे हमारे। तो गाइज ये सब आपके प्यार सपोर्ट की वजह से हो पाया। एंड एक बार फिर से जाने से पहले एक बार बहुत 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 बड़ा थैंक यू आप सभी को। एंड गाइज मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज एक बात मैं काफी ज्यादा प्लान करके आया था, मैं काफी सारी चीजें बोलूंगा इस वीडियो में, पर मैं सच बताऊं मैं काफी ज्यादा नर्वस हूं। मैं पीछे 1.5-2 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं काफी सारी चीजें भूल रहा हूं एंड मैं बार बार टेक्स कर रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी जरूर लगा हो तो गाइज मैं पहली बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड सॉरी अगर वीडियो थोड़ी सी इधर उधर हो गई होगी तो लाइक मैं बहुत ज्यादा नर्वस होगी, तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू आपके प्यार के लिए।